नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल डिफेंस थेरेपी के एक और नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे आपको डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस मिलता रहता है, तो वैसे ही एक और नए वीडियो के साथ आज हम फिर से हाजिर है। दोस्तों, जब इंडियन नेवी ये अनाउंस्ड किया था कि नेवी को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा सबमरीन फ्लीट को मजबूत करने की ज़रूरत है, तब से कुछ दिन तक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बात थोड़ा सा दब गया था। मगर फिर जब से हमारे आईएनएस विक्रांत अपने सी ट्रायल के लिए समुंदर में उतरा है, तब से एक और बार फिर से थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर चर्चा जोरों से शुरू हो गया है। वैसे तो इंडिया को हमेशा ही एक टाइम पे तीन एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत रहता ही है। तो चलिए, इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों में थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विशाल के ऊपर आने वाले बिगेस्ट अपडेटों को चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका काम अभी के टाइम में शुरू होने का चांस कितना है। पिछले कुछ दिनों में ये अपडेट निकल के सामने आया था कि कोचिन शिपयार्ड यानी हमारे वो स्वदेशी शिपयार्ड लिमिटेड, जो पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को बनाया है, उसने ये ऐलान किया था कि अगर इंडियन नेवी चाहे तो अगले 7 सालों के अंदर कोचिन शिपयार्ड आईएनएस विक्रांत की सिस्टर शिप को बना के इंडियन नेवी को डिलीवर कर सकता है। अगर आप पूछे कि ये कैसे संभव होगा, तो आपको बता दें कि कोचिन शिपयार्ड आईएनएस विक्रांत की ही डिजाइन पे इस शिप को बनाएगा और जैसे कि उनके पास इसके लिए पर्याप्त मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और इंजीनियर मौजूद है, तो इसी कारण से ये काम इतना जल्दी हो सकेगा। और दूसरा अपडेट आया है हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया के लीडरशिप और इंडियन नेवी आगे चाहे तो बर्क इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में कैपेबल है। चलिए अब देख लेते हैं हमको कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर जाना चाहिए, कॉन्वेंशनल या न्यूक्लियर पावर्ड। तो आपको पहले न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के फायदे को जानना पड़ेगा। एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर कई वर्षों तक समुद्र में तैनात रह सकता है, जबकि कन्वेंशनल कैरियरों को बार बार फ्यूल भरने के लिए जाना पड़ता है। और इसका दूसरा और सबसे बड़ा फायदा है, इससे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट लाइक एवक्स और बॉम्बर्सों को भी लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि इन सुपर कैरियर्सों में यूज होता है कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टम, जबकि नॉर्मल कैरियर्सों में एयरक्राफ्ट अपने फुल पेलोड कैपेसिटी के साथ फ्लाई नहीं कर सकता। वैसे इन दिनों एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने का कॉस्ट डिफरेंस उतना ज्यादा भी नहीं होगा। दुनिया के सारे सुपर पावर कंट्रीज, चाहे वो यूएसए हो, फ्रांस हो या फिर चाइना ही क्यों ना, ये सारे अपने सुपर कैरियर को डेवलप और यूज करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इस वक्त से इंडिया को भी चाहिए न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर रिसर्च शुरू कर दे। आपको क्या लगता है, इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल के ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए या फिर सबमरीन के ऊपर ही जाना चाहिए, हमको कमेंट करके बोलिए। और साथ में ये भी बताइए कि विशाल को 65,000 टन वाला सुपर कैरियर होना ज़रूरत है या फिर 45,000 टन वाला कॉन्वेंशनल नॉर्मल कैरियर ही ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।